इस वीडियो से हम मियोसिस टॉपिक शुरू करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन इस वीडियो में ऑलरेडी हमने मियोसिस के बारे में ब्रीफली जाना था मैंने उस वीडियो में आपसे कहा था कि जब रिप्रोडक्टिव सेल्स में मियोसिस होता है तब एक सेल का डिवीजन होकर चार सेल्स बनते हैं और उन चारों भी सेल्स में क्रोमोजोम नंबर पेरेंट सेल से आधा होता है मतलब एक डिप्लॉयड सेल से चार हेप्लॉइड सेल्स बनते हैं द सेल्स अंडरगोइंग मियोसिस आर कॉल्ड मियोसाइट्स मियोसिस में दो सिक्वेंशियल साइकिल होती है मियोसिस वन और मियोसिस टू और यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि पूरी साइकिल में डीएनए सिर्फ एक बार रेप्लिकेट करता है वो भी मियोसिस वन से पहली वाली इंटरफेज में तो चलिए हम पहले शुरुआत करते हैं मियोसिस वन के बारे में म्योसिस वन को ही रिडक्शनल डिविजन या फिर हेट्रोटिपिक डिविजन कहा जाता है इसी दौरान क्रोमोजोम नंबर इज एक्चुअली रिड्यूस्ड टू हाफ म्योसिस वन के पहले इंटरफेस होती है यह इंटरफेस भी लगभग माइटोसिस के इंटरफेस की तरह ही होती है यहां पर भी एस फेज में डीएनए का ड्यूप्लीकेशन होता है क्रोमोजोम नंबर उतना ही रहता है पर अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है इंटरफेस के बाद म्योसिस वन में भी पहले कैरियोकाइनसिस और बाद में साइटोकाइनसिस होता है यहां कैरियोकाइनेसिस को माइटोसिस की ही तरह चार फेजेस में डिवाइड किया जाता है प्रोफेज वन मेटाफेज वन एनाफेज वन और टेलोफेज़ वन यहां पर इन फेजेस के आगे हमने वन इसलिए लिखा है क्योंकि ये मियोसिस वन की सब फेजेज है जब मियोसिस टू में ऐसी सब फेजेस आएगी तब हम उसके आगे टू लिखेंगे जिसका मतलब यह है कि यह मियोसिस टू की सब फेजेस है जिन लोगों को माइटोसिस की प्रोसेस अच्छी तरह से समझ में आ गई है उन्हें मियोसिस जल्दी समझ में आ जाएगा तो अभी तक ऐसा मानिए कि कोई मियोसाइट इंटरफेस खत्म कर चुका है और अब मियोसिस वन के प्रोफेज वन में एंटर किया है मियोसिस वन की प्रोफेस वन जो है दैट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोटिक डिवीजन एंड इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेज माइटोसिस की प्रोफेस के कंपैरिजन में मियोसिस वन की प्रोफेस वन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फेज है इस प्रोफेज वन को हम पांच सब फेजेस में डिवाइड करके स्टडी करते हैं एंड दिस डिवीजन इज बेस्ड ऑन द क्रोमोजोमल बिहेवियर सो प्रोफेज वन की पांच सब फेजेस है लेप्टोटिन जाइगोटिन पैकेटिन को इसे पैचटिन भी प्रोनाउंस करता है डिप्लोटिन एंड डाइकाइनसिस सीक्वेंस याद रखने के लिए आप कोड एल जेड पी डी डी याद रख सकते हो लेप्टोटिन स्टेज जिसे लेप्टोनेमा भी कहते हैं यह दो ग्रीक वर्ड से जुड़कर बनी हुई है लेप्टोस का मतलब है थिन और टेनिया मतलब बैंड या फिर लेप्टोस मतलब थिन और नेमा मतलब थ्रेड लेप्टोटिन स्टेज में क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंस होना शुरू होता है क्रोमोजोम यहां पर लंबे पतले धागों की तरह दिखाई देते हैं मतलब लाइक थिन थ्रेड इसीलिए इसे लेप्टोटीन ऐसा नाम दिया गया है ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज द क्रोमोजोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप एस फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए तो ऑलरेडी डबल हो चुका है द क्रोमोजोम कंसिस्ट ऑफ टू क्रोमैटिड बट अपियर एज अ सिंगल थ्रेड एनिमल सेल्स में लेप्टोटीन स्टेज में क्रोमोजोम टेक अप अ स्पेसिफिक ओरिएंटेशन इनसाइड द न्यूक्लियस क्रोमोजोम के एंड्स न्यूक्लियस में किसी एक साइड की तरफ कॉन्वर्ज करते हैं स्पेसिफिकली वो साइड जहां पर सेंट्रोजोम होते हैं और अंदर ये नजारा किसी गुलदस्ते की तरह या फिर बुके की तरह दिखाई देता है इसीलिए इसे बुके स्टेज कहते हैं अक्सर एग्जाम में मैच द पेयर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें बुके स्टेज पर क्वेश्चन होता है तो यहां आपको आंसर में प्रोफेज वन या फिर लेप्टोटीन दो तो में से जो भी ऑप्शन है वो टिक करना होगा कुछ बुक्स में कहा गया है कि क्रोमोजोम के इस स्पेसिफिक ओरिएंटेशन के अलावा लेप्टोटिन स्टेज में सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट होते हैं और हर डॉटर सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल पर जाकर फिर से डुप्लीकेट करके सिंगल डिप्लोजोम बनाती है तो इस तरह से हर पोल पर एक डिप्लोजोम या फिर दो सेंट्रियोल रहते हैं लेप्टोटीन के बाद अगली स्टेज है जाइगोटिन जिसे जाइगोनेमा भी कहते हैं वर्ड जाइगो का मतलब है पेयर जाइगोटिन स्टेज में होमोलॉगस क्रोमोजोम की पेयरिंग होती है मतलब कि सीनेप्सिस होता है यहाँ से आगे पूरी प्रोसेस आपको अच्छी तरह से समझ में आए इसलिए मैं यहाँ पे क्रोमोजोम ड्रॉ करने की बजाय अलग अलग कलर के पेपर स्ट्रिप से क्रोमोजोम को रिप्रेजेंट करता हूँ। कुछ बुक्स में डायग्राम में इस तरह से सिनेपिस होते हुए दिखाया गया है पर वीडियो में अच्छी तरह से यह दिखाई दे इसलिए इन होमोलॉगस क्रोमोजोम को मैं साइड बाई साइड रखता हूं होमोलॉगस क्रोमोजोम की इस पेयर में एक क्रोमोजोम मदर से आता है और दूसरा फादर से ये दोनों भी होमोलॉग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इनमें पेयरिंग होती है और इसी पेयरिंग को सिनाप्सिस कहते हैं ग्रीक वर्ड सिनेप्सिस का मतलब है यूनियन तो याद रखिए पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोजोम दैट इज सिनाप्सिस अकर इन झाइगोटिन स्टेज ऑफ द प्रोफेज वन अब ये जो सिनाप्सिस है ये भी तीन टाइप की है प्रोसेंट्रिक सिनापिस जब होमोलॉगस क्रोमोजोम में पेयरिंग की शुरुआत सेंट्रोमियर से होती है और वो बढ़ते बढ़ते टर्मिनल्स की तरफ या फिर इन होमोलॉग्स के एंड्स की तरफ जाती है तो इसे प्रोसेंट्रिक सिनाप्सिस ऐसा कहा जाता है फिर है प्रोटर्मिनल सिनाप्सिस प्रोटर्मिनल सिनाप्सिस जो है प्रोसेंट्रिक के एकदम ऑपोजिट है यहां पर होमोलॉगस क्रोमोजोम में पेयरिंग की शुरुआत क्रोमोजोम के एंड से शुरू होकर सेंटर की तरफ बढ़ती है तीसरा टाइप है रैंडम सिनाप्सिस या फिर लोकलाइज्ड पेयरिंग इस टाइप में पेयरिंग की शुरुआत अलग अलग पॉइंट से होती है मतलब कि बहुत सारे पॉइंट से यहां पर पेयरिंग होती है इन तीनों भी टाइप्स में होमोलॉगस क्रोमोजोम की पेयरिंग बहुत ही एग्जैक्ट और स्पेसिफिक होती है ट इज अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोजोम इज एक्जैक्टली जीन फॉर जीन और इन पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोजोम को जोड़ा जाता है बाय अ प्रोटीन कंटेनिंग फ्रेमवर्क विच इज कॉल्ड एज सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स दिस कॉम्प्लेक्स एक्सटेंड्स अलॉन्ग द होल लेफ दियर्ड क्रोमोजोम एंड इज यूजली एंकर्ड एट आईदर एंड टू द न्यूक्लियर एनवलअप अब आप सोच रहे होंगे कि सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का काम क्या है तो लिखिए कि सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स इन होमोलोगस क्रोमोजोम के पेयरिंग को स्टेबलाइज़ करता है और अगली स्टेज में मतलब पैकेटिंग स्टेज में जो रिकॉम्बिनेशन होने वाला है या फिर क्रॉसिंग ओवर होने वाली है वो करवाने में ये मदद करता है याद रखिए कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में जिनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है जैसे कि मेल फ्लाई उनमें सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स नहीं बनते हैं तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना है बाय अ पेयर ऑफ सीनेपड होमोलॉगस क्रोमोजोम उसे बाइवेलेंट या फिर टेट्राइड कहते हैं बाय का मतलब है दो दोनों होमोलॉगस क्रोमोजोम की पेयरिंग हुई है इसलिए इसे बाइवेलेंट कहते हैं और टेट्रा का मतलब है चार एक क्रोमोजोम के दो क्रोमेटिड्स तो इस पेयर में है चार क्रोमेटिड्स इसलिए टेट्राइड अभी भी इस स्टेज में ये चारों क्रोमेटिड्स विजिबल नहीं होते हैं ये पैकेटिंग में क्लियरली दिखेंगे आपको याद रखिए कि नंबर ऑफ बाइवेलेंट्स इज हाफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्रोमोजोम क्योंकि दो दो की पेर बन जाती है इसलिए एंड द बाइवेलेंट्स आर एक्चुअली टेट्रैक्ट अब झाइगोटिन के बाद है पैकेटिन या फिर पैकीनेमा कोई इसे पैची भी कहेगा ग्रीक वर्ड पैकस का मतलब है थिक पैकेटिन स्टेज लेप्टोटिन और जाइगोटिन से लंबी होती है इस स्टेज में भी क्रोमोजोम का कंडेंसेशन चलता रहता है और क्रोमोजोम शॉर्ट और थिक लगने लगते हैं जिसकी वजह से जो बाइवेलेंट है वो क्लियरली समझ में आता है कि टेट्राड है देखिए कुछ इस तरह से किसी एक क्रोमोजोम की दोनों क्रोमैटिड्स को सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं जैसे कि ये दोनों इस क्रोमोजोम की है सिस्टर क्रोमैटिड्स और ये दोनों है इसकी अब इन होमोलॉगस क्रोमोजोम में से इस क्रोमोजोम की ये क्रोमैटिड और इसकी ये वाली इन दोनों को कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड स्टेज में जो दो होमोलॉगस क्रोमोजोम की पेयरिंग होती है वे इस स्टेज में आपस में स्पाइरली ट्विस्ट करते हैं और इसी दौरान वहां रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स बनते हैं मतलब ऐसी साइड की जहां पर इन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में क्रॉसिंग ओवर या फिर रिकॉम्बिनेशन होगा क्रॉसिंग ओवर के दौरान होता क्या है कि यह नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ट्रांसवर्सली डिवाइड करती है मतलब इनमें इस तरह से कट लग जाता है और यह कट लगाने में एंडोन्यूक्लियस एंजाइम मदद करता है जो कि इस दौरान न्यूक्लियस में बनता रहता है अब ये नॉन सिस्टर क्रोमैडेट्स के कटे हुए हिस्से आपस में एक्सचेंज किए जाते हैं या फिर रिशफल किए जाते हैं और फिर जोड़ दिए जाते हैं बाय लाइगेस एंजाइम तो इसी प्रोसेस को जिसमें रिकॉम्बिनेस एंजाइम की मदद से क्रोमैटिन मटेरियल का होमोलॉगस क्रोमोजोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिक्स में रीडिस्ट्रीब्यूशन या फिर एक्सचेंज होता है उसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं यह क्रॉसिंग ओवर इसलिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी वजह से पैरेंटल कैरेक्टर्स के रिकॉम्बिनेशन तैयार होते हैं जो कि आगे चलकर वेरिएशन लाते हैं याद रखिए कि द पॉइंट वेयर क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस आर कॉल्ड एज कायजमैटा पैकेटिन स्टेज के बाद है डिप्लोटिन या फिर डिप्लोनेमा ग्रीक वर्ड डिप्लॉज मतलब टू इस स्टेज में जो रिकम्बाइंड पेयर है होमोलॉगस क्रोमोजोम की उसकी अनपेयरिंग होती है या फिर डी होता है मतलब सिनेप्सिस से उलट दैट इज द डिजोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स विच लीड्स टू द सेपोरेशन ऑफ द रिकम्बाइंड होमोलॉगस क्रोमोजोम ऑफ द बाइवेंट्स इस सेपरेशन की प्रोसेस के दौरान इस पेड होमोलॉगस क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स कुछ पॉइंट्स पर चिपके रहते हैं जिन्हें कायाजमेटा कहा जाता है सिंगुलर में कायाजमा ग्रीक वर्ड कायाजमा का मतलब है क्रॉस पीस कायाजमेटा मतलब वही जगह जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई थी सेपरेशन के दौरान क्रोमेटिड्स कायाजमेटा की जगह पर चिपके होने की वजह से शेप या फिर क्रॉस शेप दिखाई देता है इसी स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस लस होना शुरू होते हैं डिप्लोटीन स्टेज के बारे में एक और बात जो आपको याद रखनी है वो है कि कुछ वर्टिब्रेट्स में उनके ऊ साइड्स में डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स और इसीलिए एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोफेज वन में सबसे लंबी स्टेज कौन सी है और अगर ऑप्शन में डिप्लोटीन है तो आप उसी पर टिक करिएगा तो डिप्लोटीन में सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स ब्रेक होने की वजह से रिकम्बाइंड होमोलॉगस क्रोमोजोम का सेपरेशन हो जाता है और काजेटा फॉर्मेशन होता है राइट अब प्रोफेज वन की फाइनल स्टेज है डाइकाइनेसिस। ग्रीक वर्ड डाय मतलब एक्रॉस और काइनेसिस मतलब मूवमेंट डाइकाइनेसिस में क्रोमोजोम और ज्यादा कंडेंस होते हैं मतलब दे कंटिन्यू टू शॉर्टन जो पिछली स्टेज में रिकम्बाइंड होमोलॉगस क्रोमोजोम का सेपरेशन हो रहा था वो इस स्टेज में भी होते ही रहेगा जिसकी वजह से जो सेंट्रोमियर की तरफ के कायजमा थे वो क्रोमोजोम के एंड की तरफ मूव करते हैं और बीच में के कायजमेटा डिमिनिश हो जाते हैं इस तरह की जो मूवमेंट है कायजमेटा की उसे टर्मिनलाइजेशन कहते हैं पर हाँ, अभी भी एक दूसरे से कनेक्टेड है बाय टर्मिनल और दूसरे इंपॉर्टेंट चेंजेस जो में होते हैं वो है ऑफ द द न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवल और मियोटिक स्पिंडल बनने की शुरुआत होना तो वीडियो के आखिर में हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि मियोसिस के प्रोफेज में क्या क्या होता है लेप्टोडिन क्रोमोजोम कॉम्पैक्ट होते जाते हैं और एनिमल सेल्स में यहाँ उनके स्पेसिफिक ओरिएंटेशन की वजह से बुके स्टेज दिखती है फिर जाइगोटिन स्टेज में होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है मतलब सिनेप्सिस होती है और सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनता है और बायवेलेंट्स या फिर टेट्राड्स बनते हैं पर वो अभी दिखाई नहीं देते पैकेटिन स्टेज या फिर पैचेटिन स्टेज में ये बायवेलेंट क्रोमोजोम क्लियरली दिखते हैं एज टेट्राइड और इसी स्टेज में कॉम्बिनेस एंजाइम के प्रेजेंस में क्रॉसिंग ओवर होती है जिसकी वजह से रिकम्बाइंड होमोलॉगस क्रोमोजोम दिखाई देते हैं और याद रखिए कि क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। डिप्लोटिन स्टेज में सिनाप्सिस के उलट होता है यहां रिकम्बाइंड होमोलॉगस क्रोमोजोम का सेपरेशन होता है और इस दौरान कायसमेटा बनते हैं या दिखते हैं फिर प्रोफेज वन की लास्ट स्टेज है डायकाइनासिस जिसमें क्रोमोजोम पूरी तरह से कंडेंस हो जाते हैं एंड दिस स्टेज इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायजमेटा इस स्टेज में म्योटिक स्पिंडल असेंबल होना शुरू हो जाते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियलस भी डिसअपियर हो जाते हैं तो इस तरह से किस स्टेज में कौन से इवेंट्स होते हैं वो आपको याद रखना है अगली वीडियो में हम मियोसिस वन की बची हुई स्टेजेस कंप्लीट करेंगे